तो आप देख सकते हो मेरे सामने एक इंजन पड़ा है, ये इंजन है एक्सेस ऑल मॉडल का। अब जो है इंजन तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इंजन कंप्लीट करने के बाद हमें गाड़ी में कौन सी चीज का जो है काम करना पड़ता है, तो हम इस वीडियो में ये सब चीज कवर करने वाले। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस ऑल मॉडल गाड़ी, एक्सेस 125 ऑल मॉडल है। तो भी हम इस वीडियो में ये चीज की बात करने वाले कि इंजन तो बन गया, इंजन बनने के बाद कौन सी चीज है जिसका काम करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी होता है सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब जो है इंजन को हम चढ़ाने वाले हैं, तो इंजन चढ़ाने से पहले हमें कौन सी चीज चेक करनी पड़ेगी, तो इंजन चढ़ाने से पहले हमें इसके बुशिंग चेक करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो इसके बुशिंग कहीं से कटे हुए नहीं है, कंप्लीट है, दोनों बुशिंग सही है, देख सकते हो दूसरी साइड का, तो ये बुशिंग सही है, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, लगा देंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसका इंजन चढ़ा लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं दूसरी क्या प्रोसेस है। तो अब जो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये होल है ये ऑयल फिल्टर का है, क्योंकि एक्सेस गाड़ी में ऑयल फिल्टर आता है, एक्सेस ऑल मॉडल में भी ऑयल फिल्टर आता है। तो ये ऑयल फिल्टर आप इंजन बनाते वक्त तो जिसको मालूम है वो सब चेंज कर ही देंगे, लेकिन जब आप ऑयल चेंज करवाओ, अब हर बार ऑयल चेंज करवाते वक्त इसको आपको चेंज करवाना जरूरी है, क्योंकि ऑयल फिल्टर जो है वो हमारे ऑयल को फिल्टर करने का काम करता है। तो जो जितनी हमारी इंजन की एमरी रहती है जो हर बार ऑयल में निकलती है वो सब इसमें फंसी रहती है, तो उसके आपके इंजन की अच्छी लाइफ के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा हर बार ऑयल चेंज करते वक्त। अभी आप देख सकते हो मैं आर्मेचर के जो वायर इसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, तो इसमें एक वायर जो है कपलर से अलग हो चुका है, टूट गया है कपलर में से, तो इसको हम कम्प्लीट वायर लगा के इसको डायरेक्ट करके ज्वाइंट कर रहे हैं, कपलर से निकाल ही दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कपलर में ये लूज रह रहा है तो उसकी वजह से लाइट का इशू आ रहा था, तो इसको हमने कंप्लीट कर दिया वायर डायरेक्ट करके। तो आप देख सकते हो हमारी इग्निशन कोयल, इसमें ये अंदर जो वायर लगता है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लग की केबल जिस वायर में लगती है हमारी ये कोयल में, ये वायर आप यहाँ से बीच में से भी टूट गया है, यहाँ से अंदर से टूट गया था, तो इसको हमने कम्प्लीट किया, अभी इधर नया वायर डालना पड़ेगा, दूसरा वायर डालेंगे। तो अब जो है हमारी ये इग्निशन कोयल का जो वायर टूट गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ये इधर से सब वायरिंग जो कटा था वो कंप्लीट हो गया, बाकी इंजन का जो फिटिंग था वो छोटा मोटा कर दिए है, तो गाड़ी में करंट कंप्लीट आ रहा है। अब जो है हम कार्बेटर साफ करेंगे, कार्बेटर की साफ सफाई के लिए वो वहां रख दिया है, और हमारा जो जम्पर का ये पीछे का बुशिंग खराब था इधर का, तो ये बुशिंग हमने दूसरा डाल दिया है, अभी ये भुंगरी इसमें बिठा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब चीज है, अभी इसका फिल्टर बॉडी जो है वो टूटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो ये फिल्टर का बॉडी टूटा है, तो हमें ये बॉडी को रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा। अभी ये
जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से आगे देखते हैं इसमें। तो ये चीज है, हमारा फिल्टर बॉडी पूरा खराब है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, अभी इसको मंगवाना पड़ेगा। तो अब जो है हमारे, हम कार्बोरेटर की पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कार्बोरेटर कंप्लीट साफ करके लगा दिया है। अब जो है गाड़ी हमारी चालू होने के लिए तैयार है, तो हम एक बार गाड़ी चालू करके देख लेते हैं। अब जो हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है, अभी हमारे को हमें इसमें थोड़े पाइप लगाने बाकी है जो हम अभी लगा देंगे। तो अभी ये जो एयर का पाइप है ये हमने नया लगा दिया है। अभी फिल्टर लगेगा तो हमारा जो ये इधर का पाइप एयर का और ये एयर सेक्शन वाल का पाइप दोनों उसमें फिट हो जाएगा, बाद में सब आवाज ये एयर का आने का बंद हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसको चालू करके रखना है, तो इंजन राउस करने रखना है। तो अभी हमारी गाड़ी कंप्लीट चालू हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो ये पुराना बॉडी है और ये हमने दूसरा लाया है पुराना कबाड़ी में से। तो अभी ये दूसरा बॉडी लाया, एकदम फ्रेश मिल गया हमको। अभी हम इसको क्लीन करके कंप्लीट लगा देते हैं क्या है। अभी हमने जो फिल्टर लाए थे दूसरा, इसको कंप्लीट साफ सफाई कर रहे हैं। अब जो इसको हम फिटिंग करेंगे। अब जो है हमारा नया फिल्टर आ चुका है, नया फिल्टर हम इसमें लगा देंगे और अब जो है हमारा बॉडी फिट करके गाड़ी को करते रमा, गाड़ी को राउज करने रख देते हैं। तो अब जो है हमारा एक्सेस गाड़ी कंप्लीट चालू हो चुका है, चालू हो गया है। लेकिन अब जो है हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम ही आ गया था, स्टार्टर मोटर का इशू आ गया था। तो जैसा मैंने आगे एक बार वीडियो बनाया हुआ है कि भाई स्टार्टर मोटर की वजह से कोई गाड़ी स्टार्टिंग इशू करती है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ चुका था। तो हमने इसमें आर्मीचर दूसरा डाल दिया, मेरे पास एक मोटर पड़ा था उसका डाल के इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो गाड़ी में आप देख सकते हो काफ़ी सारे फिटिंग हो चुके हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे फिटिंग हो चुके हैं। तो अब जो है हमारी गाड़ी बॉडी का थोड़ा काम है वो पटा के फिटिंग करना बस बाकी है। तो ये मॉडल एक्सेस गाड़ी जिसका इंजन का काम किया, उसके बाद में जो बाहर का काम था वो सब कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो गाड़ी चालू है अभी, तो इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ चेक करनी थी हमें, तो सब कंप्लीट कर दिया। अभी आप सुन सकते हो आवाज़ अगर सुन पा रहे हो तो। तो इंजन का साउंड भी एकदम कंप्लीट हो गया है, स्टार्टिंग में थोड़ा नॉर्मल आवाज था लेकिन वो भी अभी बंद हो गया है। तो अभी गाड़ी का इंजन एकदम कंप्लीट हो गया है और इंजन बनने के बाद 2 से 3 दिन हम इसको चला के देख लिया। तो अभी इसको इशू है नहीं गाड़ी में, बाकी दो छोटा मोटा काम होगा तो फिर हो तो बाद में नेक्स्ट सर्विस में देखे, बाकी कोई अभी इशू नहीं है। तो अभी हमारा जो काम था सब कंप्लीट हो चुका है। और हमारा मेन मकसद इस वीडियो में यही था कि हमें इंजन बनाने के बाद कौन सी चीज पे काम करना पड़ता है, तो ये हमारा आपको हमने वीडियो में पूरा बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।